हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोमा। स्वागत है आप सभी का मेरी रसोई में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और आसान सेवई खीर की रेसिपी। यह बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे तो सेवई आपने अलग अलग तरीके से बनाए होंगे, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी रेसिपी द्वारा बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह खीर कैसी लगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। सेवई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम सेवई। यह थोड़ी मोटी वाली सेवई है, आप देख सकते हैं। इससे पतली वाली भी सेवई मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन इसका सेवई बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए आप इसे ले तो और अच्छा रहेगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता हो। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप पानी, लगभग 100 ग्राम पानी। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब दूध हम उबालेंगे तो दूध ज़्यादा जले नहीं, इसलिए हमें पानी डालने की आवश्यकता होती है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डाले हैं। अब इसे हाई फ्लेम पे हमें उबाल लेना है। ये देखिए, दूध अच्छी तरह से उबल गया है, आप देख सकते हैं। अब इसे चलाते हुए हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है। दूध जब थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा तो उसमें जब हम सेवई बनाएंगे तो वह सेवई बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए, दूध को हम एक साइड में करते हैं और इस तरफ हम सेवई भूनते हैं, क्योंकि सेवई हमारा कच्चा है, यह भुना हुआ नहीं है। अगर आपके पास रोस्टेड सेवई है तो आप उसे नहीं भूनें। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। आप यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में सेवई बहुत टेस्टी लगता है, तो इसलिए आप घी ही कोशिश करें डालने के लिए। तो अब हम इसमें डालेंगे सेवई और इसे थोड़ा सा लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए आप इसे भून लें, ताकि सेवई भूनने पर वह और भी अच्छा टेस्ट और कलर आता है। और बीच बीच में यह दूध को चलाते रहें, नहीं तो यह नीचे से चिपक सकता है। ये देखिए, इसी तरह से लगातार चलाते हुए सेवई भून लेना है। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो चुका है और यह सेवई भून के रेडी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल ऐसे ही आपको सेवई को भून लेना है। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का ब्राउन करना है। ये देखिए, अब दूध भी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। यह बहुत ही कम हो गया है, लगभग 20% कम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये कटे हुए बादाम और थोड़े से काजू और किशमिश। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है, अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी आप सेवई बहुत टेस्टी बना सकते हैं। बस थोड़ी सी इलायची डाल दें और सेवई बना लें, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपके पास ये है तो आप ज़रूर डालें, क्योंकि इसमें इसका क्रंचीनेस आता है तो यह टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और सेवई को इन्हेंस कर देता है। तो आप इसे ज़रूर डालें। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ सेवई, जिसे मैंने भून करके रखा हुआ था। ये देखिए, अब हम इसे डाल करके अच्छी तरह से मिला देंगे। सेवई को अच्छी तरह से डाल करके हमें इसे दूध में अच्छे से तरह चलाते हुए मिला देना है, ताकि इसमें कोई गांठ या कोई लम्स ना पड़े। अब ये हमें 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। ये देखिए, 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध। इसे मैंने दूध में डाल करके केसर और थोड़ी देर पहले छोड़ दिया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप करें, इसके बिना भी सेवई बहुत टेस्टी बनती है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 3 से 4 हरी इलायची, इसे मैंने छिलके सहित कूट लिया है। अगर आप केसर नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डालें, लेकिन केसर हमें कलर और टेस्ट बहुत अच्छा देता है और इससे सुगंध भी बहुत अच्छा आता है, खुशबू। तो आप इसे अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। अब हम यहाँ पे डालेंगे एक खास इंग्रेडिएंट, मलाई। इससे सेवई बहुत टेस्टी और मलाईदार और क्रीमी बनता है। और सेवई को हमें गाढ़ा, मलाईदार और क्रीमी बनाना है तो आप इसे ज़रूर डालें। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, थोड़ा सा मिला के इसे पतला कर लेना है और इसे सेवई में हमें डाल देना है। बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं, इसे मैंने दूध से निकाल करके रख दिया था। गर्म दूध में ये मलाई पड़ता है तो उसे निकाल करके आप रख लें,
और इसमें डालें। ये सेवई को बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा कलर देता है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये गाढ़ा हो जाता है सेवई और मलाईदार लगता है। क्रीम डालने से, ये मलाई डालने से सेवई का टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हुआ है दूध। इसे स्पैचुला पे भी बहुत अच्छी तरह से लगा है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी क्रीमी सेवई। तो अब हम इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। आप देख सकते हैं इसे हम थोड़ा सा दबा करके दिखाते हैं ये सेवई रेडी हुआ है कि नहीं। अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा इसमें क्रंचीनेस बाकी है, ये देखिए। तो इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे डालेंगे चीनी। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चीनी लिया है। अगर आप चीनी कम खाना पसंद करते हैं तो 100 ग्राम भी डाल सकते हैं, लेकिन सेवई और खीर में चीनी मुझे ज़्यादा डालना पसंद है। थोड़ा मीठा सेवई और खीर पसंद है, तो इसलिए मैं 200 ग्राम चीनी लूँ। वैसे तो 200 ग्राम चीनी डाली ये परफेक्ट मिठास लाता है इतना में। तो चीनी डाल करके अच्छी तरह से मिला लेना है और 1 से 2 मिनट के लिए हमें पका लेना है हाई फ्लेम पर। देखिए चारों तरफ से इस तरह स्क्रैच करते हुए निकाल दीजिए मलाई। अब देख सकते हैं 1 से 2 मिनट हो चुका है और ये सेवई बहुत अच्छे से रेडी है, ये देखिए। अब गैस का फ्लेम बंद करना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। देखिए आप देख सकते हैं सेवई ठंडा हो चुका है और इसका कलर भी देख सकते हैं आप, ये कितना क्रीमी और गाढ़ा हुआ है, एकदम मलाईदार क्रीमी गाढ़ा। तो इस रेसिपी द्वारा आप एक बार जरूर बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी, आपने इसे ट्राई किया कि नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। ये देखिए सेवई कितना क्रीमी बना है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, अब हम इसमें सर्व करेंगे। आप चाहे तो सेवई को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख करके ठंडा कर सकते हैं और ये ठंडा ठंडा क्रीमी और मलाईदार सेवई सर्व करें। ये देखिए जो भी खाएगा वो खुश हो जाएगा। यह बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत कम समय में और बहुत ही टेस्टी सेवई बनके तैयार है। अब हम यहाँ पे गार्निश करेंगे थोड़े से बादाम और काजू और थोड़े से पिस्ता से। ये देखिए दिख रहा है ना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी सेवई। तो आप इसे ज़रूर ज़रूर बनाएं, यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है। तो आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।